आया तो भाई उस्ताद ने जो खत्म नबुअत के बारे में बताया क्या आपको मालूम है नहीं भाई मैंने बस इतना सुना के हमें खत्म नबुअत के लिए काम करना होगा आपको ध्यान किधर था जब उस्ताद बता रहे थे तो तो तुम क्या सो रहे थे लड़िए मत अगर आपको जानना है तो साथ भाई से पूछ ले अरे हाँ चले क्यों भाई, आप हमें वही छोड़ आए भाई हमें आपसे कुछ पूछना था कहिए क्या जानना है आपको भाई ये खत्म क्या है हाँ भाई हमें ये जानना है माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और हर मुसलमान को ये जानना बहुत जरूरी है क्या वाकई से मुराद है इस बात को दिल से तस्लीम करना के हजरत मोहम्मद के आखिरी नबी है और आप वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा हाँ भाई बेशक आप वसल्लम आखिरी नबी है ये तो हर मुसलमान को पता है हाँ, पर हमारे उस्ताद ने कहा है की हमें नबूत के लिए काम करना होगा इसका क्या मतलब है तो क्या इस के कोई दुश्मन होंगे हाँ बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुश्मनों के बारे में फरमाया मेरी उम्मत में तीस झूठे पैदा होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे क्या भाई क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकते है हरकत ऐसी आप सल्हे वर्षादी मेरे बात कोई नबी नहीं और कुरान की तक पर दलालत करती है फिर भाई ये झूठे लोग किस तरह ये दावा कर सकते हैं? ये वो बदबक लोग हैं जो चंद दुनिया ख्वाहिश के लिए झूठे दावे करते हैं वो कौन है भाई ये झूठे लोग मुस्लिमा, असो बहरुल्ला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, सिद्दीक दीनदार शकील बिन फैयाज बाबा और भी कुछ लोग हैं और इनके मानने वाले काफिर है उस्ताद ने सही कहा था हमें नबूवत के लिए काम करना होगा हाँ भाई बिल्कुल हमें नबूवत के बारे में सबको बताना होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे ताकि गफलत में हमारे मुसलमान भाई और बहने इन झूठों की बातों में न आए जी भाई हम अकीदाए खत्म का काम करेंगे और